तो ये देखिए हमारा आम, ये मैं रोज़ देखती हूँ तो पता नहीं कभी कभी लगता है कि बड़ा हो रहा है कि नहीं बड़ा हो रहा है। बट मैं ये मतलब मेरे हबीचोर है वो आए तो बोले कि हाँ बहुत बड़ा हो गया, और सच में बड़ा हुआ ही होगा, इतने दिन हो गया तो बड़ा तो होगा ही होगा ना। और ना इसमें से एक आम गिर गया था तो दादी उसको उठा के लाए थे, ये देखिए वो आम है। और ये पता नहीं ऐसे ब्लैक ब्लैक सा कुछ हो गया इसमें, तो पता नहीं कुछ ऐसे मजाक कर रहे थे दादी की कोयल कुछ कर दिया कि क्या पता नहीं, तो पता नहीं ये तो वही माही हो रही थी कि मम्मा दिखाओ मुझे भी दिखाना है, वो भी दिखाने के लिए कर रही थी इसको। तो इसका सोच रहे थे चटनी बनाएंगे, इसका स्मेल इतना अच्छा है और ये ना थोड़ा हल्का मतलब एकदम मीठा मीठा सा इसका स्मेल है, जैसे आम पक जाने से जैसे नहीं मीठा होता है तो स्मेल आता है मीठा मीठा वाला, वैसा टाइप का स्मेल था। बहुत अच्छा लग रहा था इसका स्मेल, मतलब स्मेल से ही बहुत अच्छा लग रहा था। पता नहीं टेस्ट कैसा होगा, देखते हैं कैसा होता है। गुड मॉर्निंग गाइस, कैमन से सबाई, आशा करी तुम्हारा सब भालो होबे सुस्त होबे और घर के बाहरे एकदम जावे ना। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह आज का जो ब्लॉग है ये मैं सुबह सुबह स्टार्ट करती हूँ, मेरे हस्बैंड अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं तो चलिए मैं दिखाती हूँ उनको। फिर मैं एक्चुअली मैं थोड़ा क्लीनिंग कर रही थी, दिखाती हूँ पहले उनको। थोड़ा सा मैं क्लीनिंग कर रही थी तो मैं उनको बोली कि 2 मिनट रुक जाओ फिर साथ में करेंगे, तो बोले कि नहीं तुम अपना काम निपटाओ और अपना करो, मैं अपना काम स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि फिर हनी वहीं उठेंगी उनको ब्रश व्रश कराना, तो फिर वो ही उनका ही ड्यूटी है वो सब कराना। तो मैं अभी तक एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं की हूँ, वहीं उठी है, वहीं थोड़ा रेस्ट कर रही है उधर उठ के, और मैं जा रही हूँ चाय चढ़ाने के लिए। तो देखिए काढ़ा मेरा बन गया है, ये हमारा डेली का मॉर्निंग रूटीन है, गर्म पानी और काढ़ा। आप भी पिछले वीडियो में तो आपने देखा ही होगा, तो आप भी ज़रूर इसको डेली करिएगा, गर्म पानी एंड काढ़ा डेली ज़रूर पीजिएगा। और अभी मैं चली चाय चढ़ाने, तो फिर मैं आपसे बात करूँ। तो ये जा रहा है उनके लिए चाय, उनका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है, वो चाय पियेंगे। माही उठ उठ गई है, माही बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जीनी भी उठ गई है, कहाँ जीनी भी उठ गई है? जीनी गुड मॉर्निंग, आना ना तो उठाना ना, उठाना ना। और ये देखिए सुबह सुबह ये लो, सुबह सुबह एक कटहल टूट गया है, आज ये बनेगा, पता नहीं था आ रही हूँ आज ये बनेगा। ओ माय गॉड, टू डू लव, ओ माय गॉड बोल दो, टू डू लव। माही काढ़ा काढ़ा पी लो, क्यों बिस्कुट खाओ ना, मीठा है पियो पियो गेनो। मीठा है काढ़ा, मीठा है, मीठा लगेगा, और तुम भी पी के देखो मीठा है। का नाम का है काढ़ा, छी नहीं खाती। ओ माँ गो, खबर मिला कुछ सब? ओ माँ गो,
सो मॉर्निंग का सारा काम कंप्लीट है और अभी मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लूँगी, थोड़ा सा मतलब 15-20 मिनट ही कर पाऊँगी आज, क्योंकि थोड़ा सा टाइम हो गया है और सब उठने का मतलब माँ ही तो उठ गई है, हनी नहीं उठा है अभी तक। फिर उन लोग उठेंगे, उसके पापा ही ब्रश वगैरह सब करवाएंगे, फिर मैं उन लोग को मतलब सबको नाश्ता फिर बनाना है, तो फिर लेट हो जाएगा अगर मैं ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज करूँगी। पता नहीं आप लोगों के साथ होता है कि नहीं होता है, बट मेरे साथ तो होता है। सोती हूँ या जब मॉर्निंग में उठती तो मैं काउंट करती रहती कि मुझे करना क्या है आज, क्या काम करूँगी, क्या खाना बनाऊँगी, क्या नाश्ता बनाऊँगी, बस दिमाग में पूरा टाइम वही चलते रहता है। कि आपके साथ भी ऐसा होता है मुझे शेयर करिएगा ज़रूर, ठीक है। तो आज देखिए आप लोग तो कटहल लेके आए हैं, शायद कटहल ही बनाऊंगी। वैसे तो मैं चना दाल पहले से भिगो के रख ली थी, मैं सोची थी कि लौकी बनाऊंगी चना दाल डाल के, बट दादी कटहल तोड़ के ले आई है तो मैं कटहल बनाऊंगी आज, और देखते हैं क्या बनता है। लॉकडाउन है बाहर, सब मार्केट में तो सारा मार्केट बंद है वैसे भी, तो सब्जी का थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो सब्जी वाले आते हैं यहाँ पर, ठेला वाले आते हैं बेचने के लिए, तो फिर हम लोग उन्हीं लोगों से ले लेते हैं। उन लोगों को भी कितना दिक्कत हो जा रहा है ना लॉकडाउन के टाइम में, मतलब कुछ सेल नहीं हो रहा है उन लोग का भी, जिन लोग डेली कमाते हैं उन लोगों के लिए कितना प्रॉब्लम हो जा रहा है। खैर बातचीत होते रहेगी, तो चलिए मैं अपना एक्सरसाइज कंप्लीट करती हूँ, नीचे मुझे लेट हो जाएगा। ये उठ जाती तो मुझे कुछ करने नहीं देती। जा पापा बुला रहे हैं। बसो हम एक्सरसाइज करे नहीं। तुम भी करना है, दिखाओ सबको कैसे करते हैं। चल बैठो यहाँ, ऐसे हाथ करो, जमैया का। तो हो गया आज का एक्सरसाइज, ये उठ जाती है माँ ही ना तो मुझे कुछ भी करने नहीं देती है। अभी इसको पानी पीना था तो पीना ही है, उसको बोली कि मैया को बोल पापा को बोलो, लेकिन नहीं तुम ही दो। उठना पड़ा मुझे, अब क्या करें, कल थोड़ा जल्दी उठ जाऊंगी इसके उठने के पहले। ये उठती नहीं आज, पता नहीं उठ गई बहुत जल्दी। और ये देखिए हमारे घर का कटहल, जैसे मैंने आपको दिखाया पहले भी, ये है हमारे घर का कटहल।
आज इसी की सब्जी बनने वाली है। दादी तो काटेगी, मुझे तो आता नहीं है काट। तो यहाँ पे ना दादी कटहल काट रहे हैं। मुझे ना कटहल की सब्जी इतनी पसंद है, बट ना मुझे काटना बिल्कुल भी नहीं आता, और मैं काट पता नहीं, मुझे काटने का मन ही नहीं करता है। अगर दादी नहीं रहते हैं या दादी नहीं काटते, कोई कुछ भी इशू रहता है, तो मैं ना बुआ को बुला लेती, तो बुआ काट देते हैं मेरे को कटहल, बट मैं कभी नहीं काटती। तो इसका जो वो गोंद जो निकलता है ना, वो भी बड़ा अजीब सा रहता है। वो कभी ठीक मतलब तेल लगाओ तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर वो चिपक जाता है गंदे टाइप से, फिर निकलता नहीं है। इसलिए मैं और भी नहीं काटती। और ना मुझे ना फरसुल से काटना बिल्कुल नहीं आता है। दादी कितने अच्छे से काट लेते हैं, बट मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता है। आप में से किसो किसो कटहल काटा नहीं आता, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 9:30 बज रहा है, हनी अभी तक उठा नहीं है, तो चलिए हम लोग अपने हनी को उठाते हैं। हाँ बन गया हनी। बेटू गुड मॉर्निंग। उज्जो 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 उज्जो। देखो देखो सबाई देख छे, तुम्हें देखो देखो के देख छे, देखो तुम सबाई देख छे। 9:30 बज गया, आज बाबू उठा नहीं है, एक्सरसाइज नहीं की है। क्यों? गुड मॉर्निंग बोल दो सबाई के। नहीं नींद खुला अभी तक। और भूत वाले पिक्चर देखोगे? ये ना डेली रात को इसको हॉरर वाला मूवी चाहिए। एक्चुअली हम लोग सबको चाहिए रहता है, हम लोग डेली देखते हैं एक हॉरर मूवी, तो हम लोग देखते ही है डेली ना हनी। हनी लल्ला, ए लल्ला लल्ला, ओ लल्ला मुन्ना उठ तो गए हो, कैसे देख ले हॉरर मूवी देख के भूत बन गए हो? क्या बोल रहे हो, सब्जी वाला आया क्या बाहर? हाँ आया तो मैं। क्या क्या रखे भैया? इस लॉकडाउन में सब्जी वालों को भी कितना प्रॉब्लम हो गया ना बेचारे लोग को, धूप में घूम घूम के ऐसे सब्जी बेचना पड़ रहा है, नहीं तो डेली कैसे कमाएंगे वो लोग। लोगों को भी बहुत दिक्कत हो रहा है। तो चलिए मैं आज एकदम सिंपल सा आपको कटहल की सब्जी बनाना सिखाती हूँ। वैसे तो मैं बहुत सारे टाइप का बनाती हूँ, दो तीन टाइप, तीन चार टाइप का हो ही जाता है, बट आज एकदम, आज मेरे को दादी बोली कि बॉयल नहीं करना है कटहल, थोड़ा बड़ा हो गया है तो ऐसे फ्राई करके बना लो तो वो आराम से गल जाएगा। तो मैं वैसे ही बनाई फिर, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने मस्टर्ड ऑयल से ऑयल ही लिया था। मस्टर्ड ऑयल से ही अच्छा लगता है सब्जी। आजकल मैं ज़्यादातर मस्टर्ड ऑयल मीन्स सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। तो इधर मैं जो मेरा खड़ा मसाला था मीन्स जो बड़ा इलायची, छोटा इलायची, दालचीनी, इसको मैं कूट ली हूँ, और जीरा डाली थी, और ना इसमें तेज़पत्ता डालना मैं भूल गई थी, तो आप चाहे तो ऐड कर सकते हो या तो स्किप भी कर सकते हो। और कुछ भी नहीं, बस प्याज डाली, ऐड करा मैंने प्याज इसको अच्छे से। और एक ट्रिक बताती हूँ, जब तक आपकी प्याज थोड़ी सी मतलब अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर नहीं हो जाएगी ना, तब तक सब्जी को मत डाला करो, नहीं तो फिर ना वो उसमें अच्छे से कलर नहीं आता है, तो फिर मेरी जो मेरे प्याज है वो गोल्डन ब्राउन कलर का फ्राई हो गया था। तो फिर मैंने इसमें कटहल ऐड कर दिया, और कटहल को अच्छे से फ्राई करना है, मतलब उसमें जब तक वो रेडनेस नहीं आएगा, ब्राउन कलर, अच्छा गोल्डन कलर नहीं आ जाता है तब तक। और देखिए यहाँ पर मेरी ना लाइट की प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी, तो अच्छे मतलब जब तक अच्छे से फ्राई नहीं हो जाता है रेड ब्राउन ब्राउन कलर का, तब तक आप इसको फ्राई करते रहिए, अच्छे धीमे आंच में ही फ्राई करिएगा। एकदम हाई कर देंगे ना तो फिर वो जल जाएगा। उसके बाद ना मैंने इसमें मैंने बताया था ना आपको कि मैंने चना दाल फुला के रखा हुआ है, अभी मैंने रात को ही भिगो दिया था लौकी बनाने के लिए, तो यहाँ पर मैं इसमें ही ऐड कर दी हूँ। और दूसरी साइड मैं चावल चढ़ाई हुई थी, तो चावल का पानी गर्म हो गया था, तो फिर चावल धो के मैंने इसमें चावल ऐड कर दिया। और बहुत सिंपल सा है जो कटहल का सब्जी मैं बता रही हूँ आपको, अच्छे से फ्राई हो जाएगा कटहल, फिर इसमें जो भी मसाले आप मतलब अदरक लहसुन और प्याज का प्योरी पेस्ट, ये आपको ऐड करना है। उसके बाद फिर मैं तो टोमेटो को लास्ट में ऐड करा था मैंने, लेकिन आप चाहे तो उसमें आप ग्राइंड करके भी ऐड कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी, आप कैसे बनाना चाहते हो। तो मैं प्योरी नहीं बनाई थी टोमेटो का, मैं ऐसे ही कट करके ही डाला ऐड किया था मैंने इसमें। और फिर जो सारे बेसिक मसाले हैं ऐड करूँगी मैं, जैसे नमक, मिर्च, हल्दी,
और जीरा धनिया पाउडर और चिकन मसाला ये मैंने किया है और थोड़ा सा चीनी भी, और लास्ट में जो टोमेटो मैंने कट करके रखा है, हाँ मैं प्योरी नहीं बनाई हूँ आज, कट करके ही ऐड किया है, तो ये मैंने स्लो फ्लेम में एकदम ढक के पकाऊंगी। किचन में तो और रहा नहीं जाता है, चावल बनाने की है, कमाल निकल रहा है। मम्मी ने मुझे बताया जब चावल चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है, जब आपको आवाज़ सुनाई दे टक टक टपक टक टपक के, तो समझ लो कि चावल पक गया है। तो इधर मैं खाना पका रही हूँ, देखते हैं बच्चे और उनके पापा क्या कर रहे हैं यहाँ पर। क्या हो रहा है अभी? गुड आफ्टरनून हो गया है। देखो हनी के पापा क्या बना रहे हैं, दिखाइए सर क्या बना रहे हैं आप। लिजर्ट क्या बन रहा है? तो इधर ड्राइंग हो रहा है पापा और बच्चों का। ये क्या बना रहे हैं? लिजर्ट ही तो बन रहा है। हाँ एक और बना रहे थे ना कुछ, वो बन गया। अरे क्या दिखाओ एक और, क्या बना रहे थे, क्या है ये? मिनियन। वाह, मतलब ये हुनर भी है आपका, मुझे पता नहीं था। ये कहाँ से सीख गए सर? ना सर, ये कहाँ से सीख गए? लॉकडाउन में चलो बन जाएगा तब दिखाते हैं। और यहाँ का हालत देखिए, सारा कलर ऐसा फैला के रखे हैं। फाइनली बेड को मैं ठीक कर ली हूँ, बट ये थोड़े ही देर का मेहमान है, ऐसा फिर ये ऐसा ही हो जाएगा। पहले हम लोग कुकर का ही चावल, कटहल लगा हुआ, पहले हम लोग कुकर का ही चावल खाते थे, बट जब से मुझे डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो गया है फिर हम लोग इसमें ही बनाते हैं। इसमें क्या है, उसका स्टार्च पूरा निकल जाता है ना, तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इससे कंट्रोल रहता है थोड़ा सा। और सब बोलते रोटी खाया करो रोटी खाया करो, यार बंगाली हूँ, दोपहर में रोटी नहीं खाया जाता बिना चावल के। ओफ माँ, हनी के टाइम था जब मैं प्रेग्नेंट थी, तब मैं शुगर बहुत बढ़ गया था, तब मुझे खाना पड़ा था, तो फिर रोटी नहीं खाती थी, पराठा खाती थी, पर रोटी नहीं खिलाता था मेरे से, पराठा ही खाती थी, बहुत मुश्किल से खा जाता है दोपहर में। कम से कम एक टाइम तो चावल होना चाहिए ना, बिना चावल के पेट नहीं भरता है। चलो देखते हैं सब्जी कहाँ तक बन के आई है। तो इधर ये सब्जी बन रही है और इधर मैं लाल भाजी चढ़ रही हूँ, फिर एक सब्जी से तो हम कभी खाते टेंटन है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आम का खट्टा वाला चटनी, मीन्स पीस के जो टोमेटो और आम का जो चटनी होता है वही बनाने जा रही हूँ। बहुत दिन से मन कर रहा था फाइनली ये आज जो घर वाला आम जो टूटा है उसी का ही मैं बना रही हूँ। आई होप अच्छा बने ये, मतलब उस दिन तो भगवान जी को चढ़ाए थे तो वो बहुत छोटा छोटा था, इतना छोटा था, बट ये आज बड़ा हो गया, थोड़ा नहीं काफ़ी बड़ा हो गया, खाने लायक हो गया है। गुठली भी आई थिंक आ चुकी है इस पर, देखते हैं कैसा बनता है इसका चटनी पीस के, फिर मैं आपसे बात बताती हूँ कि कैसा बना है। चोर आप क्या निकाल रही है माही? बुनू की बेर कर चो बिस्किट, अभी बिस्किट नहीं खाना है, खाना नहीं खाना है, ठीक है खा लो। और ये देखिए आज ये सब ले खरीदे हैं, तो 2 किलो टोमेटो है, भिंडी है, ओ सॉरी तो हाँ हाँ आ रही हूँ, आ रही हूँ एक मिनट आ रही हूँ। ये टोमेटो, लाल भाजी, करेला, भिंडी, पालक भाजी एंड धनिया पत्ती, ये सब लाए थे, खरीदे थे, मतलब देखे तो थे आप लोग, यही सब लिए, तो धो के सब धूप में दिखाना हो गया है, अभी अंदर लेके आए हैं। और हाँ अदरक भी लेके आए हैं, अदरक भी है अभी लेके आए हैं, तो ये सब धो के सुखाना हो गया है, अभी बस फ्रिज में रखना है इसको। और हनी जी अभी कलर कर रहे थे, तो चलिए मैं आपको कलर दिखाती हूँ, उसके पहले मैं दिखा देती हूँ कि ये मेरी सब्जी बन गई है। ज़्यादा तीखा मैं नहीं किया हूँ इसलिए कलर आपको ऐसा दिख रहा होगा आपको, तो ये सब्जी बन गई है, चटनी भी मेरी बन गई, तो ये है, तो ये आम की चटनी जो मैं पीसी थी धनिया पत्ती डाल के, ये दाल और
लाल भाजी भी बन गई, सब बन गया है। बस अब सोच रही हूँ कि बटन धो लूँ, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हनी कलर किया है वो आप लोग को दिखा रहा है, बोल रहा है दिखाने के लिए। वाओ, ये येलो कलर का होता है, आपने तो सब कलर कर डाला इसमें। चलो कोई नहीं, बहुत सुंदर बनाया। एक और कलर किए थे, वो कहाँ गया? एक और जो मैं बना के दी थी, ये नहीं बेटू, वो वाला, ये मैं इसको बना के दी थी। अब इसको भी कलर किया है हनी, अभी सीख रहा है, स्टार्टिंग है बस, स्कूल तो कभी गया नहीं, जो भी है घर पर ही सीखा है। वेल डन, गुड बॉय, बहुत अच्छा किया कलर। चलो ठीक है। वाह, क्या मस्त हवा चल रहा है, वेदर तो देखिए क्या मस्त हो रखा है एकदम से। ऐसे मौसम में किसको बाहर जाने का मन नहीं करता है बताइए। अभी सिर्फ 4 बज रहा है, रहिए, और इतना बादल हो गया था, एकदम अंधेरा सा हो गया था, और इतना अच्छा वेदर, मस्त था, ठंडा ठंडा हवा चल रहा था, शायद कहीं पे बारिश हुआ इस कारण ना इधर एकदम ठंडा ठंडा हवा आ रहा था। तो चलिए ऐसे मौसम में चाय पिया जाए, शाम का टाइम तो हो ही गया है। तो मैं यहाँ पे मैं फ्राई कर रही थी नड्डा। हनी माही को नड्डा बहुत पसंद है, माही तो खैर सो रही है बट हनी को पसंद है, हम लोग सबको ही पसंद है। हम लोग ना जब छोटे थे ना तो ये नड्डा को ना हम ऐसे फिंगर में डाल के उंगली में ऐसे फंसा फंसा के खाते थे और बोलते थे हमारा नाखून कितना बड़ा हो गया है, हमारा उंगली कितना बड़ा हो गया है। तो आप इसे कौन कौन ऐसा कर रहे थे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आज की रेसिपी मुझे मेरी कैसी लगी ये भी बताइएगा। तो चलिए चाय बनकर रेडी हो गई है, चलिए मैं सबको चाय देती हूँ। आज जा रही है दादी चाय बेचने, रोज मैं जाती हूँ, आज दादी जा रही है नड्डा बेचने और चाय बेचने, क्योंकि शाम का टाइम है, होटल खुल गया है। चाय 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 चाय, आ गया चाय, जो वहाँ पे बैठते हैं सामने वाले रूम में, हॉल रूम। हाँ बेटू, जहाँ पर बिजी रहती दिन भर। आ गया सर, आपका चाय आ गया, मैनेजर सर। हमारे यहाँ पे स्पेस है करके बच्चे यहाँ पे आराम से खेल लेते हैं, बट सोचती हूँ जो लोग फ्लैट घर में रहते हैं या जिनके यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, आंगन बरामदे के प्रॉब्लम है, वो लोग कैसे करते होंगे ना। तो इस लॉकडाउन के टाइम में मतलब मैं बता रही हूँ कि चलो ठीक है बच्चे लोग अभी खेल लेते हैं तो इनका हो जाता है, लेकिन जहाँ नहीं है लोगों को कितना दिक्कत होता है। थोड़ा सा निकालती हूँ, इतने दिन से नहीं निकाली थी तो अभी सब कुछ ठीक लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा, तो आज थोड़ा सा निकला है हनी खेलने के लिए। मैं भी बोली चलो ठीक है बच्चे हैं, अब ऐसे भी बाहर आना जाना किसी का है नहीं। तो चलिए फिर आज का जो ब्लॉग है मैं यही एंड करती हूँ बच्चों के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है, ये ब्लॉग पसंद आया आपको तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे हिट करिएगा ताकि जो मेरा वीडियो है वो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए आराम से, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ब्लॉग को मैं एंड कर दी थी बट माही के बिना ब्लॉग एंड कैसे होता ना माही, माही अभी तो पिछोकी होती है ना बेटा। तो चलो माही अब आपको बाय बाय बोलेगी।